अक्सर असीं देखते हाँ कि किवें घर के बाहर औरतों के कोलों वालियां धू के लै जांदे ने लुटेरे जां फिर राह जांदियां औरतों के नाल जां फिर कुड़ियां दे नाल लुटखो की जाती है। पर इस बार तो हद ही हो गई, घर के बिच बैठी एक महिला दे नाल लुट की वारदात की गई है। महिला अपने घर के अंदर इकली बैठी सी, जिस दौरान दो व्यक्ति आउंदे ने, जान पहचान कढ़दे ने अते महिला दे कन्न दे विचों सोने दियां बालियां धू के लै जांदे ने। हालांकि गनीमत रही कि महिला दे रौला पाउण तों बाद पिंड वालियां ने दौड़ के इन्हां लुटेरियां नूं काबू कर लिया अते खेतां दे विच अपने तरीके दे नाल इन्हां दी चंगी तरह खातिरदारी कीती। पीड़ित बुजुर्ग औरत हरजिंदर कौर ने दस्या कि घर के अंदरों ओ इकली मौजूद सी अते दोवें लुटेरियां विचों एक उसकी पति की मौत का अफसोस प्रगट करन आया, जिस दौरान धक्का मुक्की करके उसके कन्नां दे विचों वालियां खिंच लईआं ते धक्के मार के उसनूं अंदर बंद करन दी कोशिश कीती। पर बाद विच महिला ने रौला पा दिता, जिस तों बाद पिंड वालियां ने इन्हां दोहां नूं काबू कर लिया। चाचे का महसूस करना आया, जेल च कठे रहे हैं। अच्छा महसूस करना आया, महसूस करना आया, मगर 15 मिनट अद्धा घंटा घंटा घंटे को बाद मगर बंदे लेके आन पिया है। मेरिया कन्न दिया दोवें वालियां भी खुस गईया ने, मेरे अंदर तारदा सी, अजे मौका वेख सकते, कुंडा टुट गया। मैं कल्ली ब्लड वरिया पे ना, तो मंजे के अंदर लम्मी पई, मैं मगर गेट के मगर भज के फड़िया। उधर पीड़ित महिला के जेठ दीदार सिंह ने दस्या कि लुटखो करन तो बाद जिवें ही लुटेरे भज्जे तां उस दी भरजाई ने रौला पा दिता, जिस तों बाद पिंड वासियां ने पिछा करके इन्हां नूं खेतां दे विचों काबू कर लिया। लोकां वल्लों कीती पुछगिछ विच इह वी गल सामने आई है कि लुटेरियां दे विचों एक साबका सरपंच दा पुत्तर सी, जिस नूं लै के सवाल उठने शुरू हो गए ने कि आखिर साबका सरपंच दे पुत्त नूं इह जिही घटना नूं अंजाम देण दी की लोड़ पै गई। ਵਾਪਰੀ ਜੀ ਆਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੱਜ ਆਏ ਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਗੜ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਵਾਲੀਆਂ ਤੋੜ ਲਈਆਂ, ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਕਬਜ਼ੇ ਵੇਖ ਲਓ ਟੁੱਟੇ ਪਏ, ਘਰੇ ਇਕੱਲੀ ਉਹ ਭਰਜਾਈ ਮੇਰੀ, ਘਰੇ ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਖਾਉਣੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਤੇ ਚੱਲ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਖੋਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਨੇ उधर मौके ते पुजे ASI ने दोहां लुटेरियां दे कोलों वालियां बरामद कर लिया ने अते दोहां नूं काबू करके हुण इन्हां तों पुछगिछ कीती जावेगी अते कहा कि अगली कारवाई अमल दे विच लियांदी जावेगी। ये अपने रीमे चो ताड़ती है जी घटना, इतों इन्होंने वालियां कोईयां लेडी जी पहला पानी के बहाने अंदर आए आ, तो जो पानी इन्हों लिया के देन लगे तो इन्होंने वालियां खोल तो भजन लगे आ, तो पिंड के लोगों ने साथ दिता तो इन्हों काबू किया, तो वालियां भी बरामद हो गई कि हूँ पुछगिछ करके नाल कि गैंग आ, फिर इन्हों की कार्रवाई अमले च लियावांगे, जो भी आ FIR दर्ज कर देंगे। कोई पहचान हुई कितों? पहचान इन्हों का पिंड पुजो के आ, एक सरपंच का लड़का साबका सरपंच का, दूसरा भी उतों का। पिंड वालियां का कहना है कि यह जे लोगों के नाल इसे तरह होना चाहिए है, इन्हों मौके पर काबू करके इन्हों की चंगी तरह भुगत सवारी जानी चाहिए है। पिंड वालियां ने कहा कि ये चंगे घर के लोग ने जो इस तरह वारदातों अंजाम देने लगे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने दोहां दे विचों एक साबका सरपंच का पुत्र दसिया जा रहा है, तो इस घटना को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आखिर साबका सरपंच का बेटा इन्होंने घटनावां दे विच किवें
दाखिल हुंदा है किवें शामिल हुंदा है क्योंकि सबका सरपंच जिसका एक अहुदा सी पिंड दे विच तां उसे दे पुत्र वल्लों इस तरह की घटना नूं अंजाम देना किन्ना कु जायज़ है। तां इह नाल दे ही पिंड दे दो लोग दसे जा रहे ने जिन्हां वल्लों इस लुटखोह की वारदात नूं अंजाम दिता गया। पिंड वालियां दा कहना है कि इस तो पहला तीन चार दिन पहला भी इसी तरह लुट की वारदात नूं अंजाम दिता गया सी। हालांकि इस बार पिंड वालियां दी चौकसी ने लुट की इस वारदात नूं होण तों रोक लिया अते दोहां लुटेरियां नूं काबू कर लिया। फिरोजपुर तो पत्रकार सुखचैन सिंह की रिपोर्ट स्काई न्यूज़ पंजाब के लिए। फिरोजपुर तो सुखचैन सिंह की रिपोर्ट स्काई न्यूज़ पंजाब के लिए।